तो आज हम आपको लेकर आए कानपुर में हर साल गुरु नानक जी जयंती में बनने वाले लंगर की मेकिंग दिखाने, जहां 50,000 लोगों के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। लंगर में आने वाले हर तबके के लोगों को प्रसाद मिलता है। कानपुर के मोती झील में प्रसाद की तैयारियां एक दिन पहले से शुरू कर दी जाती हैं, जहां ह्यूज क्वांटिटी में आलू, दाल, गोभी की सब्जी, घी लगी रोटी और तवा रोटी तैयार होती है। बड़ी बड़ी कढ़ाई में यहां सब्जी पकती है, जिसको आलू गोभी मसालों तेल के साथ चूल्हे की आग पे पकाया जाता है। और बड़े बड़े भगोनों में यहां लंगर डालती रहती है, जिसको एक दिन पहले तैयार किया जाता है। यहाँ सिख समुदाय के लोग अपने हाथों से इसको तैयार करते हैं। रात भर लंगर तैयार किया जाता है और सुबह वाहेगुरु जी की पूजा के बाद लंगर चालू होता है, जहाँ पर छोटे से छोटे बच्चे लंगर की सेवा में लगे रहते हैं और हजारों लोग यहाँ लंगर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आकर चखते रहते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कानपुर में गुरु नानक जयंती में मिलने वाले लंगर की ह्यूज क्वांटिटी में मेकिंग, और आपको टेस्ट करके बताएंगे। अभी इधर आप देख सकते हैं जो सब्जी तैयार होगी उसकी, ये इधर आलू कट रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इधर। तो अभी इधर आप देख सकते हैं, ये देखें जो आलू है वो इधर स्टोर कर दिया जाएगा। ये देखें, इधर देख सकते हैं आप, ज़्यादातर लोग यहाँ पे आलू कट कर रहे होंगे। ये देखें, आप इधर देख सकते हो एकदम ह्यूज क्वांटिटी में इधर आलू कट चुका है। तो अभी इधर आप देख सकते हैं, ये देखिए दाल मिक्स करी जा रही है सब अच्छे तरीके से। जी, तो अभी इधर देख सकते हैं आप, बाकी जो सब्जियां हैं वो इधर कट रही हो रही हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये दूसरी कढ़ाई भरी जा रही है, मतलब वो। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सूखी सब्जी की तैयारी करी जा रही है। ये देखिए, इसमें बढ़िया मसाले डाले जा रहे हैं और इसको आप देख सकते हो एकदम ऑथेंटिक तरीके से लकड़ी की आग पे पकाया जा रहा है। तो अभी इधर देख सकते हैं आप, इधर जो वेजीज वाली सब्जी है उसको तैयार किया जा रहा है। आप इस कढ़ाई पे जाके देख सकते, इसको बढ़िया तरीके से लकड़ी पे पकाया जा रहा है इधर। ये देखिए, तो अभी ये देख सकते हैं इसमें पानी जा रहा है और ऑयल जा रहा है इधर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए दाल को तैयार किया जा रहा है। कितना टाइम लगता होगा वह पकने में? बेटा गरम मसाला डाल दिया, दे आधा घंटा। अभी जी सब्जी कंप्लीट हो गई है और आप देख सकते हैं इसको स्टोर करा जाएगा, और पूरे एकदम लाइन से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके बाल्टियाँ जा रही हैं और एक एक करके लोग आपको दिखाते हैं उधर से। ये देखें, पूरी स्टोर करने के लिए लेके जा रहे हैं जो ये सब्जी रेडी थी। तो जी आप देख सकते हैं जो सब्जी तैयार हो गई है वो इधर कंटेनर में स्टोर करी जा रही है। ये देखिए, तो कल लंगर की तैयारियां जोर शोर से चलती हैं। तो अभी इधर देख सकते हैं मशीन द्वारा आटा माड़ा जा रहा है। बंद करो भैया। तो ये आप आटा लेके जा रहे हो इधर?
जी ये देख सकते हैं इधर ये आटा लेके जा रहे हैं और अभी हम आपको दिखाएंगे कि इधर रोटियां सेक रहे हैं। तो आप देख सकते हो इधर पूरा प्रॉपर लाइन से रोटियां सेक रही है। अभी इधर आप देख सकते हो ये देखिए रोटियां सेक रही है इधर। तो अभी इधर आप देख सकते हैं ये देखिए रोटियां तैयार हैं और अभी इधर सेकी जा रही हैं। इधर देख सकते हैं आप तवे पर अंकल रोटी के ही बारे में जो लंगर होगा उसकी एकदम बढ़िया से तैयारी चल रही है इधर। तो देख सकते हैं इधर रोटी सेक के इधर ये रखी जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर रोटियां स्टोर करी जा रही हैं और इसके ऊपर ये देख सकते हैं बढ़िया घी लग रहा है और कल की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं बिल्कुल। ये देखें तो अभी इधर आप देख सकते हैं ये देखिए लोहियां तैयार करी जा रही है रोटियां बनाने के लिए। ये देखिए तो भैया ऐसे ये गोलियां बना के आप कितनी देर बाद रोटी बनाते हो इसमें? सिर्फ 15 मिनट। सिर्फ 15 मिनट रखते हैं। ये देखिए तो अभी इधर आप देख सकते हो प्रसाद की रोटियां तैयार हो रही है हमारी। तो देख सकते हैं आप इधर रोटियां तैयार करी जा रही हैं। ये देखिए तंदूर में तो ये देखिए तंदूर में बढ़िया रोटियां जा रही हैं के रोटियां सिक तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम खड़े हैं अभी मोती झील ग्राउंड में और गुरु नानक जयंती वाले दिन हम चक रहे हैं लंगर। पूरी वीडियो तो आपने देख ली होगी तो चलिए लंगर चखते हैं और इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आपने पूरी मेकिंग देख ली होगी और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि किस लेवल की भीड़ आती है इस लंगर को चखने। तो रोटी है, मिक्स दाल है और गोभी और आलू की सब्जी। वाह, मतलब प्रसाद प्रसाद होता है, चाहे जिस क्वांटिटी में बने स्वाद आपको एक जैसा ही मिलेगा और एकदम बेस्ट। तो जो लोग रह गए लंगर चखने वो नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं गुरु नानक जयंती वाले दिन। आप मेरे पीछे देख सकते हो कई हजार लोग कानपुर के चखते हैं इस लंगर को। तो अगर आप रह गए हो तो नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा। इस वीडियो करते हैं एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।